हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से आर्मी जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। धरने वालों के खिलाफ अब मजीद ताकत का इस्तेमाल ना करने का फैसला। आर्मी चीफ का मामला फहम-ओ-तफहीम से हल करने का मशवरा। कहा, इस्लामाबाद ने जितनी नफरी की जरूरत थी भेज दी है, अपने ही लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऑपरेशन के बाद हुकूमत फिर मुज़ाकरात की मेज पर आ गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास। धरना मुजाहिरीन से दोबारा मुज़ाकरात करने का फैसला। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखला, वज़ीर आला पंजाब समेत हुकाम की शिरकत। कारोबार को होता है पूरा जो सिस्टम आम शहरी के लिए है वो तो पूरा देखो खत्म हो गया। फैजाबाद पर मजहबी जमात का धरना 21वें रोज भी जारी। रास्ते बंद होने से अवाम शदीद दोचार। जुड़वा शहरों में निजाम जिंदगी बदस्तूर मुअत्तल। कचनार पार्क के करीब डंडा बरदार मुजाहिरीन ने पुलिस की 5 मोटरसाइकिल्स और 1 गाड़ी को जला डाला। फैजाबाद ऑपरेशन के बाद तहरीक लब्बैक के कारकुनान हुकूमती वुज़रा के खिलाफ भी मुस्तैल हो गए। फैसलाबाद में मुजाहिरीन का सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्ला की रिहाइश गाह पर एहतजाज और पथराव। लाहौर में वजीर खुराक बिलाल यासीन के घर पर भी आवाम का धावा। सियालकोट मंशाउल्ला बट के डेरे के सामने भी एहतजाज। फैजाबाद ऑपरेशन के बाद एहतजाज का दायरा कार मुल्क भर में फैल गया। लाहौर में ठोकर नियाज बेग, बाबू साबू, शाहदरा चौक और चेयरिंग क्रॉस समेत अहम मकामात पर मजहबी जमात का धरना दूसरे रोज भी जारी। सड़कें बंद होने से अवाम की जिंदगी अजीरन। मेट्रो बस सर्विस समेत दीगर ट्रांसपोर्ट। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस मुल्क की अहम सड़कों पर पहिया जैम। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से पिंडी भटियां तक बंद। GT रोड मंद्रा तरनोल और टेक्सरा के मकाम पर बंद। एहतजाज के बायस ट्रेनें भी घंटों घंटों ताखीर का शिकार। कराची में एहतजाजी धरनों के बायस शहर में निजाम जिंदगी मुतासर। नुमाइश चौरंगी, टावर, सुराब गोट, लियाकताबाद और हब रिवर रोड समेत अहम मकामात पर जारी। सड़कें बंद होने से अवाम परेशान। अहम शाहराहों से बसेस भी गायब। लारी अड्डे से स्टेशन पे चले जाओ, स्टेशन पे इधर आ जाओ, गाड़ी भी नहीं मिलती। हम लोगों का क्या कसूर है? 3 दिन इधर जलील होते हो गए। मुझे इधर तो कोई बस नहीं जा रही। 2 घंटे हो गए इधर खड़े हो के टांगे थक गई हैं, लेकिन ये ट्रेल चलने का नाम नहीं ले रही। मम्मा अभी पूछ रही थी कि अब आप तक आए नहीं। मैंने बताया कि ब्लॉक हो गई हैं सड़कें, कर भी हो गई थी। पेशावर के रिंग रोड पर भी मजहबी जमात के कारकुनान सड़क पर निकल आए। धरना देकर जमील चौक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। आवाम परेशान। मुल्क में जारी धरने और अमन अमान की सूरत हाल। महकमे तालीम पंजाब ने लाहौर समेत तमाम शहरों में तालीमी इदारे पीर और मंगल को बंद कर दिए।
इस्लामाबाद इंतजामिया का भी कल प्राइवेट स्कूल्स बंद करने का ऐलान। सिंध हुकूमत का भी कल सूबे में तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। वजीर तालीम के ऐलान के बाद जामिया कराची का भी कल तदरीसी अमल का ऐलान। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी भी बंद रहेगी। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का भी तमाम स्कूल्स बंद रखने का ऐलान। पेमरा के अहकामात के बाद मुल्क भर में न्यूज चैनल्स की नशरियात बहाल। न्यूज चैनल्स जारी, सिक्योरिटी रिस्क और तशद्दुद पर मबनी फुटेजेस नशर ना की जाएं। कवरेज के दौरान रिपोर्टर और कैमरामैन समेत दीगर अमले की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, पेमरा की हिदायत। हुकूमत आजादी इजहार राय पर यकीन रखती है। चैनल भी मुल्की मफाद में लगाई गई। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की वजाहत, कहा कि मुल्क की सलामती के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। न्यूज चैनल्स की बहाली के बाद सोशल मीडिया वेबसाइट्स भी जुज़वी तौर पर खोल दी गई। पीटीए ने गुज़िश्ता रोज की सूरत हाल के 22 वेबसाइट्स बंद की थी। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब अवाम मालूमात तक रसाई से महरूम थे। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर लीगी हुकूमत देने का फैसला। खुर्शीद शाह कहते हैं मुल्क में आईन और कानून पार्लियामेंट मौजूद है, तमाम मसाइल को आईन और कानून के मुताबिक बातचीत से हल होना चाहिए। पीपल्स पार्टी जमहूरियत के साथ खड़ी है, जमहूरी ताकतों को कतई तौर पर कमजोर नहीं होना चाहिए। वजीर आजम शाहिद खाकान और वजीर कानून समेत काबीना के तमाम अरकीन चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मुतालबा कर दिया। कहते हैं वजीर आजम और इनके वुजरा ने मुल्क को संगीन बुहरान की दलदल में धकेल दिया। हुकूमत शरीफों की करप्शन बचाने के लिए पूरी कुव्वत सर्फ कर रही है। आगे टेलर मेड इलेक्शन नजर नहीं आता। आगे जो भी इलेक्शन होगा, जो भी हुकूमत बनाएगा, पाकिस्तानी अवाम मेड अवाम के जोर पे हुकूमत बनाएगा। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का सिंध में अगली हुकूमत बनाने का ऐलान। अब किसी सूरत टेलर मेड इलेक्शंस नहीं होने देंगे, नहीं किसी को धांधली करने देंगे। पीर पगारा का जलसे से खिताब। जुल्फकार मिर्जा बोले कि सिंध के अवाम को निजात दिलाएंगे। सऊदी अरब में इस्लामी ममालिक के फौजी इत्तेहाद का पहला इजलास। इत्तेहाद किसी मुल्क या फिरके के खिलाफ नहीं। मुस्लिम इत्तेहाद का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ इकदामात उठाना है। इफ्तिताही तकरीब से साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ का खिताब। वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। स्पेन के क्लब में डांस फ्लोर टूट कर गिर गया। हादसे के नतीजे में 20 से ज्यादा अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। दो अफराद की हालत तश्वीशनाक। हवा में उड़ने के लिए अब नहीं कटाना पड़ेगा हवाई जहाज का टिकट। बॉडी कंट्रोल जेट इंजन पावर सूट नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया। सूट की तैयारी पर 40,000 पाउंड्स की लागत आई। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की और तमाम सूरत हाल पर गौर किया गया। जराए के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि फौज की मजीद नफरी भेजने की जरूरत नहीं, अपने ही लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जनरल कमर बाजवा ने न्यूज चैनल्स पर लगाई गई पाबंदी भी हटाने की तजवीज दी। वजीर आजम ने आर्मी चीफ की तमाम तजावीज से इत्तफाक किया। हुकूमत ने जो कुछ किया वो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद के लिए किया। शाहिद खाकान ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि ताकत का इस्तेमाल ना हो और तमाम मामलात मुजाकरात से तय हो जाएं।
वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत आज आला सतह का अहम इजलास भी हुआ, जिसमें धरना मामले से हल करने के लिए मुजाहिरीन से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया। धरना खत्म करने के लिए मुज़ाकरात होंगे, वज़ीर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म हाउस में इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, सूबाई वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद और रावलपिंडी की इंतजामिया और पुलिस के आला हुकाम ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान फैजाबाद धरने के शुरका के खिलाफ ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली की गई। इजलास में फैसला किया गया कि मामले को पुरअम तरीके से हल करने के लिए धरना मुजाहिरीन से मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएंगे। नाज़रीन, अदालती हुक्म के बाद हुकूमत ने ऑपरेशन तो किया, लेकिन मुजाहिरीन अभी तक इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मुजाहिरीन ने आज सुबह गाड़ी और 5 मोटरसाइकिलें जला डाली। मुश्तैल अफराद ने सेक्टर I-8 और कचनार पार्क के करीब सिक्योरिटी इदारों पर पथराव भी किया। धरना खत्म कराने के लिए हुकूमत ने एक्शन लिया और गुज़िश्ता रोज मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें हुईं। मुजाहिरीन के तशद्दुद से पुलिस अहलकार जा बहक और मुतादिद अहलकार जख्मी हुए। आज सुबह होते ही फैजाबाद से मेट्रो लाठी बरदार मुजाहिरीन उमड़ आए। सेक्टर I-8 मरी रोड इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर सिक्योरिटी अहलकारों ने मुजाहिरीन का महाअसरा भी किया। तहम मुश्तैल मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर कचनार पार्क के करीब सिक्योरिटी अहलकारों पर पथराव किया। मुजाहिरीन ने पुलिस की 5 मोटरसाइकिलों और एक कार को आग लगा दी। धरने और एहतजाज के बाद रेड जोन को सील कर दिया, जबकि रेड जोन जाने वाले रेंजर्स और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। मुजाहिरीन को धरने के मकाम तक महदूद रखने के लिए रेंजर्स FC और पुलिस फैजाबाद में मौजूद हैं। वज़ीर दाखला एहसन इकबाल ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि फैजाबाद ऑपरेशन में बराह रास्त उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इंतजामिया ने अदालती हुक्म पर ऑपरेशन किया, ये ऑपरेशन उनकी निगरानी में नहीं हुआ। वो इस तरह का इंतहाई इकदाम नहीं उठाना चाहते थे। मेरी निगरानी में नहीं हुआ, ये अदालत के हुक्म के ऊपर इंतजामिया ने बराह रास्त किया है। मेरी जाती राय ये थी कि हमें अभी मुजाकरात की ऑप्शन को भरपूर तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए था और हम इसका पुरअमन हल तलाश करते तो वो बेहतर था, लेकिन जो अदालत का हुक्म है उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि वज़ीर दाखला अदालत के हुक्म की अमलदारी में रुकावट नहीं डाल सकते। नाज़रीन, आपको बताएं कि मुल्क भर में जारी इन धरनों ने ज़िंदगी का पहिया जाम कर दिया है। ट्रांसपोर्ट और कारोबारी मराकज़ की बंदिश ने आवाम को शदीद ज़हनी अज़ियत में मुब्तला कर रखा है कि उन्हें इस परेशानी से निजात दिलाई जाए। कशीदगी बरकरार, बंद पहिया जाम, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। पंजाब भर में कारोबारी सरगर्मियां मौतल रहीं, अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। गोजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान और सरगोधा में धरना जारी है। मुश्तैल मुजाहिरीन ने पुलिस पर शदीद पथराव किया। के बेशतर मकामात पर जिंदगी मफलूज होकर रह गई। ठोकर न्याज बेग, चेरिंग क्रॉस और बाबू साबू इंटरचेंज पर धरने के बाइस मुश्किलात बढ़ गईं। मेट्रो सर्विस भी मौतल कर दी गई। रायवन में नवाज शरीफ की रिहायशगाह की तरफ जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी के लिए कंटेनर्स भी लगा दिए गए। पिछली मुश्किलात में इजाफा हुआ। जो लोग बीमार हैं अस्पतालों पे पहुंचना उसके मुश्किल हैं। जो है ना बाहर और किसी और घरों में मेहमान गए हुए वो अपने घरों में पहुंचने में वो मुश्किल हैं। सिंध के बेशतर शहरों में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं थी। सखर और रोड़ी समेत मुतादिद शहरों में भी आवाम को परेशानी का आवाम का कहना है कि धरने की शक्ल में आ पड़ने वाली मुश्किल से उनकी जान छुड़ाई जाए। तो धरनों की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। इस वक्त आज़ीयूस के नुमाइंदे मुइन जुबैर लाहौर में होने वाले धरने के मकाम पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल वो इस वक्त देख रहे हैं।
मुइन बताइए गा आवाम को किस किस्म की मुश्किलात दरपेश हैं। जी बिल्कुल, फैज़ाबाद में पुलिस के लाठीचार्ज के बाद लाहौर में आज दूसरे रोज़ भी मुजाहिरीन का धरना जो है वो इस वक्त जारी है। इस धरने की वजह से जो है वो इर्द गिर्द माल रोड पर जितनी दुकानें वो बंद, ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई है। मुजाहिरीन जो कि यहाँ पर मौजूद हैं वो यही कह रहे हैं कि जब तक उनके मुतालबात जो हुकूमत से किए जा रहे हैं वो मंजूर नहीं किए जाते, तब तक उनका ये जो धरना है वो लाहौर समेत पंजाब भर में जो है वो जारी रहेगा। जी मुइन जुबैर बता रहे थे कि हाल है, रुक कर लेते हैं कराची का, जहां फैजाबाद ऑपरेशन के खिलाफ बेशतर मकामात पर धरने जारी हैं और इन्हीं धरनों के बाइस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुअत्तल रही। सुपर हाईवे पर धरने से माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कराची की अहम शाहरा पर भी धरना जारी है, जिससे शहर भर का निजाम जिंदगी फह गया है। नुमाइश चौरंगी पर धरने के बायस शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। सोराब गोट पर धरने के बायस सुपर हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई, जिससे अंदरूने मुल्क जाने वाली माल बरदार गाड़ियों की कतारें लग गईं। ड्राइवर्स का कहना है कि उन्हें किस जुर्म की सजा दी जा रही है। पता नहीं कब खुलता है ये रोड, बस बैठे रोड के किनारे पे इंतजार कर रहे किस टाइम रोड खुलेगा। अब इधर रोड पे हम क्या करेगा, इधर ना रोटी मिलता है ना पानी, ना सवेरे नाश्ता भी नहीं किया, ये देखो चने खाता है। उधर टावर, नागन चुरंगी, लियाकताबाद समेत बेशतर इलाकों में धरनों के बायस सड़कें ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रहीं। हब रिवर रोड पर भी एहतजाज के बायस बलूचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल रही। फौरी खबर आपको दें कि वजीर तालीम सिंध ने ऐलान किया है कि कल सूबे भर के तमाम और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। अहम ऐलान है कि कल सिंध भर में तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि इस वक्त मुल्क भर में धरनों की सूरत है और खास तौर पर अगर हम कराची की बात करें तो वहां भी बड़े पैमाने पर कई जगह पर धरने दिए हुए हैं लोगों ने, तो इसी वजह से हमने जो इतलात मौसूल हो रही है वो आपसे शेयर कर रहे हैं कि सिंध में कल तमाम तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे और वजीर तालीम कहते हैं कि सिंध में कल तमाम तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे। सिर्फ सिंध ही नहीं, पंजाब में भी धरनों के बाइस दो तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। धरनों ने निजाम जिंदगी मफलूज कर दिया, तालीमी सरगर्मियां मुंजमिद हो गईं। वजीर पंजाब राणा मशहूद ने लाहौर के तालीमी इदारे दो रोज के लिए बंद रखने का ऐलान कर दिया। शहर के तमाम तालीमी इदारे पीर और मंगल को बंद रहेंगे। हालात को देखते हुए बुध को तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया जाएगा। लाहौर में सड़कें बंद होने से आवाम की आमदोरफ्त मुश्किल हो गई है। फैजाबाद ऑपरेशन के बाद बंद होने वाली न्यूज चैनल की नशरियात बहाल होना शुरू हो गई। पैमरा ने तमाम न्यूज चैनल्स को गुज़िश्ता रोज़ ऑफ एयर कर दिया था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तमाम न्यूज चैनल्स को गाइडलाइन जारी करते हुए इनकी नशरियात को बहाल करने का हुक्म दिया। पैमरा के मुताबिक मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट 2015 के तहत किसी भी सिक्योरिटी ऑपरेशन की बराह रास्त कवरेज ना करे, कानून नाफिज करने वाले इदारों की पोजिशन बराह रास्त ना दिखा। पैमरा की जानिब से मीडिया हाउसेस को स्टाफ की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ पैमरा के हुक्म के बाद मुल्क भर में तमाम चैनल्स की नशरियात बंद कर दी गई थीं, जिससे शहरी हर तरह की ताज़ा तरीन मालूमात से महरूम हो गए। नाज़रीन कुछ जिक्र करेंगे वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब का, जिन्होंने कहा है कि हुकूमत आज़ादी इजहार पर यकीन रखती है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर चैनल्स की नशरियात बहाल कर दी गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बास चैनल्स की हिजान अंगेज खबरों की वजह से बंदिश का फैसला, इकदाम का मकसद अफरा तफरी को रोकना था, सब मिलकर मुल्क की सलामती के लिए मुस्बत रिपोर्टिंग से जानो माल का तहफ्फुज यकीनी बनाए। अब आपको बताएं कि फैजाबाद ऑपरेशन के नतीजे में जहां मुल्क भर में धरनों और एहतजाज का सिलसिला जारी है, वहीं मुश्तैल अफराद की जानिब से सूबाई उजरा के घरों पर पथराव के वाकयात भी पेश आए हैं। मुश्तैल अफराद ने पंजाब के कई वुजरा के घरों को निशाना बनाया। फैसलाबाद में मुजाहिरीन
वजीर कानून राणा सनाउल्लाह की रिहाइश गाह पर पथराव किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शैलिंग की। लाहौर में वजीर खुराक बिलाल यासीन के घर पर भी पथराव किया गया। सियालकोट में मुजाहिरीन ने वजीर बल्दियात मंशाउल्लाह भट्ट के डेरे के सामने मुजाहिरा किया और वहां लगे बैनर्स और पैनाफ्लेक्स फाड़ दिए। देखिए एट द मोमेंट इस वक्त ये है कि वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की मुलाकात अब से थोड़ी देर पहले हुई है जाहिद हामिद साहब के साथ उनके घर पर, जाहिद हामिद साहब के घर पर, और उन्होंने उनको यही मशवरा, आप रिजाइन कर दें क्योंकि सूरत हाल मुल्क में बहुत संगीन हो चुकी है। इस मुलाकात से पहले जो आज दिन भर मुख्तलिफ बड़े बड़े इजलास होते रहे उसमें भी इस पर्सपेक्टिव पर गौर किया गया था कि अगर वजीर कानून जाहिद हामिद इस्तीफे से सूरत हाल बेहतर होती है तो उन्हें जरूर रिजाइन कर देना चाहिए। जराए कम अज कम मुझे तो यही कंफर्म कर रहे हैं कि जाहिद हामिद को अब मुलाकात के दौरान जो पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, क्योंकि ज्यादा अफेक्ट भी पंजाब ही हो रहा है, तो उनको कह दिया गया है बाकायदा तौर पर। जराए बता रहे हैं कि एक दो दिनों में जल्द ही एक दो दिनों के अंदर अंदर यानी उनका इस्तीफा आ सकता है। अच्छा, एक दो दिन के अंदर अंदर इनका इस्तीफा आ सकता है। लेकिन शौकत साहब, अभी तो हम देख रहे हैं कि जो धरने वाले हैं, जो मुजाहिरीन हैं, उन्होंने तो ये कह दिया कि पूरी काबीना जाएगी तो वो ये धरना खत्म करेंगे। तो आपके पास इत्तला क्या है शौकत साहब, क्या अब वो इस्तीफा मान लेंगे, धरना खत्म कर देंगे? देखिए जब कोई डिमांड होती हैं तो वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पर हुआ करती हैं, बहुत ज्यादा डिमांड रखी जाती हैं तो फिर उनमें जब बातचीत होती है तो ये चीजें नीचे, तो ये भी अगर जब मुदाकरात होंगे, टॉक्स होंगे, क्योंकि ये भी जराए बता चुके हैं और हम पहले रिपोर्ट भी कर चुके हैं कि बातचीत का इम्कान है, जब बातचीत होगी तो फिर ये पॉइंट्स सामने रखे जाएंगे और उसमें फिर ये चीजें भी होंगी। अभी तो सब काबीना का इस्तीफा मांगा जा रहा है लेकिन किसी न किसी पॉइंट पर जाकर उसमें कोई ना कोई हो सकता है। ठीक है, किसी न किसी पॉइंट पर जाकर इत्तेफाक राय हो सकता है इनके इस्तीफे पर। आपने बड़ी खबर दी है शौकत पराचा के, हुकूमत वजीर कानून जाहिद हामिद का इस्तीफा लेने पर गौर कर रही है और आपने भी कहा कि एक दो रोज में जाहिद हामिद जो है वो अपना इस्तीफा पेश कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया शौकत पराचा। अपोजिशन और हुकूमत में मुतअद्दिद बातों पर इख्तलाफात मौजूद हैं, ताहम खुर्शीद शाह ने वाजे कर दिया पीपल्स पार्टी जमहूरियत के साथ खड़ी है, मुल्क में आईन और पार्लियामेंट मौजूद है। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से मुजाकरात से इनकार कर दिया था लेकिन धरने से पैदा सूरतेहाल ने दोनों जमातों को एक पेज पर कर दिया है। अपोजिशन रहनुमा खुर्शीद शाह ने हालात पर तश्वीश का और कहा कि मजहबी मामलात को सियासी नारों के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मुल्क में आईन कानून और पार्लियामेंट मौजूद है और मसाइल को आईन और कानून के मुताबिक बातचीत से हल होना चाहिए। अपने बयान में उनका कहना है कि जमहूरी ताकतों को कतई तौर पर कमजोर नहीं होना चाहिए। खुर्शीद शाह ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत और पार्लियामेंट के साथ खड़ी है, पार्टी ने टास्क दिया तो सियासी जमातों से राबते करेंगे। उधर कप्तान ने वज़ीर-ए-आज़म काबीना अराकीन के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इमरान खान ने कहा कि ऑपरेशन के नाम से सुलगाई गई चिंगारी ने मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया, वजीर कानून को बहुत पहले मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुतालबात में मजीद इजाफा, हालात के पेश नजर इस्तीफों का मुतालबा कर इमरान खान कहते हैं वजीर आजम और उनके वुजरा ने मुल्क को संगीन बहरान की दलदल में धकेल दिया। इन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत शरीफों की करप्शन जरदारी को सिंध पर हुकूमत नहीं करने देंगे। सखर में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का पावर शो, पीपल्स पार्टी पर तनकीद का तीर और वफाक के साथ जलसे से खिताब में पीर पगारा बोले, ये इंतखाबात टेलर मेड नहीं होंगे और ना हम किसी को इसमें धांधली करने देंगे। आगे टेलर मेड इलेक्शन नजर नहीं, आगे जो भी इलेक्शन होगा, जो भी हुकूमत बनाएगा, पाकिस्तानी अवाम मेड, अवाम के जोर पे हुकूमत बनाएगा।
ذوالفقار مرزا بولے کہ سندھ کے عوام کو ڈاکوؤں سے نجات دلائیں گے۔ آصف زرداری تو آزاد پھر رہا ہے، اس کے حواری اگر پہلے 10 روپے کی کرپشن کرتے تھے تو اب 1000 روپے کی کر رہے ہیں۔ یہ سندھ دھرتی پہ رہنے والے لوگوں کو آخر ان چوروں سے کون نجات دلائے گا؟ جلسے میں وفاقی وزراء غلام مرتضی جتوئی، سیکرٹری جنرل جی ڈی اے ایاز لطیف پلیجو، سابق وزراء اعلیٰ ارباب غلام رحیم، سید غوث علی شاہ سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ ناظرین، اب کچھ عالمی خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور خبر آپ کو دیں گے آسٹریلیا کے شہر میلبرن سے، جہاں سیاسی پناہ گزینوں کی حمایت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے حکومت سے پناہ گزینوں کو پناہ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ پاپا نیو گینی کی جزیرے مینس سے پناہ گزینوں کو نکالنے کے خلاف آسٹریلیا میں جگہ جگہ مظاہرے کیے گئے۔ آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں بڑی تعداد میں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت پناہ گزینوں کو ملک میں لانے کی راہ ہموار کرے، ہم انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب پاپا نیو گینی کے جزیرے مینس میں پولیس نے بڑے پیمانے پر آپریشن کرتے ہوئے پناہ گزینوں سے علاقہ خالی کرا لیا ہے۔ ناظرین، اسپین کے کلب میں ڈانس فلور ٹوٹ جانے سے 22 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں میں سے 2 افراد کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ آئے تھے موج مستی کرنے لیکن ہڈیاں تڑوا بیٹھے۔ اسپین ریفے کے ڈسکو کلب میں ڈانس فلور اچانک ٹوٹ گیا اور فلور پر کھڑے افراد بیسمنٹ میں جا گرے۔ ڈاکٹرز کے مطابق بیشتر افراد کی ٹانگ ہڈیوں میں فریکچر آئے ہیں۔ زخمیوں میں 2 افراد کا تعلق فرانس، 1 کا بیلجیم، جبکہ ایک خاتون کا تعلق روم سے ہے۔ اب آپ کو بتا دیں کہ جنوبی مغربی صوبے ہوبائی کی رنگ برنگی جھیل سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ سائبیریا سے 2000 سے زائد پرندوں کی آمد نے جھیل کے حسن کو مزید نکھار دیا۔ جھیل کی خاموشی اور پرندوں کی چہچہاہٹ، درخت، یہ ہے چین کے جنوب مغربی صوبہ ہوبائی کی خوبصورت ہین فینگ جھیل۔ سائبیریا سے ہر سال 2000 سے زائد پرندے یہاں آ کر پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ اس جھیل میں فطرت کا ہر رنگ اپنے جوبن پر ہوتا ہے۔ شہروں کی کثافت سے دور دل کو تر و تازہ رکھنے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد اس جھیل کا رخ کرتی ہے۔ سعودی اتحاد کے سربراہ راحیل شریف کہتے ہیں کہ اسلامی ممالک کا اتحاد کسی ملک، مذہب یا فرقے کے خلاف نہیں۔ دہشت گردی کے خلاف اتحاد کے 41 مسلم ملکوں کی بیٹھک ریاض میں لگی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے خطاب میں کہا کہ آج دنیا کو پیغام دے دیا ہے کہ تمام مسلم ممالک دہشت گردی کے خلاف متحد ہیں۔ اس موقع پر سعودی اتحاد کے سربراہ راحیل شریف نے کہا کہ اتحاد کسی ملک یا فرقے کے خلاف نہیں، بلکہ اس کا مقصد دہشت گردی کے خلاف اقدامات اٹھانا ہے۔ اجلاس سے خطاب میں پاکستانی وزیر دفاع خرم دستگیر نے کہا کہ ہمیں اسلامو فوبیا کے ساتھ مذہبی انتہا پسندوں کے خلاف اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ As Muslims we stand together to counter Islamophobia and unequivocally condemn those who use misplaced ideas of religion to advance their nefarious agendas. وزیر دفاع نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ غیر ملکی قبضے ختم کرانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان the consensus of all Islamic countries that to completely root out terrorism and extremism the international community must do more to end foreign occupation, resolve prolonged international conflicts and dissuade those who deny right to self-determination to people
تمام مسلم ملکوں کے نمائندوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے پر اتفاق کیا۔